इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला, पेंड्रा और मरवाही को मिलाकर एक नए राजस्व जिले की घोषणा की है। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित कोरबा का पसान और उसके आसपास के लगभग 42 गांव के लोग अपने क्षेत्र को नए जिले में शामिल करने की मांग को लेकर पसान संघर्ष समिति के बैनर तले गौरेला पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पसान उप तहसील को नवगठित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में शामिल किए जाने की मांग की गई। पेंड्रा, गौरेला और मरवाही के नाम से जो जिला की घोषणा हुई, और क्योंकि पसान यहाँ से दूरी उसकी 35 किलोमीटर है, कोरबा की जो जिला मुख्यालय की दूरी है वो 100 किलोमीटर से ऊपर है, और इसलिए क्या 42 पंचायत के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर ज्ञापन दिया गया कि तो पेंड्रा से जिला से मुख्यालय से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि वो पसान क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित था। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये पेंड्रा के बहुत करीब है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए बोलचाल की भाषा में तो पेंड्रा के बहुत करीब है। तो नए जिले के साथ हमारे सब क्षेत्रवासियों की मांग है कि हम लोगों को नया जो प्रस्तावित जिला है पेंड्रा, थरोड, पेंड्रा और मरवाही में हमारा जो नया जो ब्लॉक प्रस्तावित है पसान, उस 42 पंचायत को पेंड्रा मरवाही जिले में सम्मिलित किया जाए, ये हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की मांग है। इसी के संबंध में हम आज पेंड्रा रोड अनुवादी अधिकारी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से इस नियम पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इनका ये कहना है कि पसान के अंतर्गत में जो 42 जो ग्राम पंचायत है वो दूरी के हिसाब से और सुविधा के दृष्टिकोण से पेंड्रा के ज़्यादा नज़दीक हैं। ये पेंड्रा से मुश्किल से जैसे इन्होंने कहा है कि 15-20 किलोमीटर दूर है, और जबकि इनका मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो कोरबा से दूरी जो उनका 110 किलोमीटर आदिवासी बहुल एरिया है। इनका ये कहना है कि हमारा जो विकास है या हमको जो सुविधा है वो पेंड्रा जिला मुख्यालय से हमको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, इसलिए नया जो जिला बन रहा है उसमें हमको शामिल किया जाएगा। ज्ञापन मिला है सर, आगे क्या कार्रवाई संभव है इसमें? तो वही है कि जैसे अधिसूचना जारी होगी नए जिले के लिए उसमें आपत्ति और दावा हम आमंत्रित किया जाएगा, उनके तहत इनके जो दावा है उनको हम स्वीकार कर लेते, स्वीकार मतलब उसको रख करके शासन को हम भेजेंगे, शासन जो निर्णय लेंगे उसका पालन करेंगे। थैंक यू सर।